निर्वाचन अधिकारी से निर्विरोध विजयी घोषित कर दिया गया है। इसी के साथ अब एमपी में राज्यसभा की तस्वीर साफ हो गई है। यहां बीजेपी के 4 और कांग्रेस के 1 सदस्य ने जीत दर्ज की है, यानी कि 5 सीटों के लिए 5 उम्मीदवार मैदान में थे जो विजयी घोषित हुए हैं। दरअसल बीजेपी के उमेश नाथ महाराज, डॉक्टर एल मुरुगन, बंशीलाल गुर्जर और माया नारोलिया राज्यसभा सांसद निर्वाचित हो चुके हैं। वहीं कांग्रेस के अशोक सिंह राज्यसभा सांसद चुने गए हैं। 5 सीटों पर 5 ही आवेदन आने से मतदान की स्थिति नहीं बनी। वहीं नाम वापसी का समय निकलते ही निर्वाचन संपन्न हुआ और 5 उम्मीदवार निर्विरोध राज्यसभा सांसद चुन लिए गए हैं। मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव में 5 प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए हैं और बीजेपी के 3 और कांग्रेस के अशोक सिंह अपना विधानसभा में जो राज्यसभा सांसद चुने जाने का प्रमाण पत्र उन्होंने लिया है। बीजेपी की ओर से माया नरौलिया, केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन और बंशीलाल गुर्जर तीनों प्रत्याशी यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने अपना सर्टिफिकेट लिया है। दरअसल 5 सीटों के लिए 5 ही नामांकन थे और चुनाव निर्विरोध हुए हैं। सर, राज्यसभा पहुंच रहे हैं आप, पार्टी नेतृत्व को हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमको राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाया और आज निर्विरोध निर्वाचन संपन्न होकर के और प्रमाण पत्र देकर के राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित करा दिया। इसलिए आप किसान नेता हैं, किसानों के कौन कौन से मुद्दे आप उच्च सदन में रखेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 से अभी तक काम कर रही है और 2014 से लगा करके अभी तक नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो सरकार के एजेंडे में जो किसानों को पहले स्थान पर रखा है तो विशेष कोई मुद्दे नहीं है और किसानों के जीवन की बेहतरी के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है। किसानों के जीवन के बेहतरी के लिए काम करेंगे और इस समय देख पा रहे हैं बंसीलाल गुर्जर, एल मुरुगन और माया नरौलिया बीजेपी की जो वर्तमान में महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, ये तमाम नेता विधानसभा पहुंचे हैं और इन नेताओं ने चूंकि निर्वाचन जो है निर्विरोध हुआ है और उनको सर्टिफिकेट जारी किए जा चुके हैं और मध्य प्रदेश में जो निर्वाचन की प्रक्रिया यही समाप्त हुई है। और आप इस समय तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि भारत माता की जयकारे के नारे लग रहे हैं। यहाँ पर जो तमाम नेता हैं इन जीते हुए चुने हुए प्रत्याशियों को बधाई दे रहे हैं। ये बधाई का सिलसिला यहाँ पर जारी है और विधानसभा से बाहर निकलती हुई ये तस्वीर है जो कि 5 जो सदस्य हैं कांग्रेस के अशोक सिंह यहाँ से अपना सर्टिफिकेट लेकर जा चुके हैं और बाकी हम 3 प्रत्याशियों की बात करें, यहाँ पर बीजेपी के 3 प्रत्याशी मौजूद हैं और माया नरौलिया जी यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। जी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आधी आबादी की आवाज उच्च सदन तक पहुँचेगी, बहुत दूर तक पहुँचेगी। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में महिला और सशक्त होंगी और महिला सशक्तिकरण के लिए हमारे प्रधानमंत्री ये जीता जागता उदाहरण महिलाओं को आगे बढ़ा रहा है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के लिए आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? मध्य प्रदेश के लिए सब जो हमारी सरकार की योजना है उनको आगे बढ़ाने का काम रहेगा। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अच्छा काम करेंगे। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बेहतर काम करेंगे। इस समय आप देख पा रहे हैं कि जो जीते हुए प्रत्याशी हैं उन्होंने यहाँ पर सर्टिफिकेट लिया है और सर्टिफिकेट लेने के बाद अपने नेतृत्व को धन्यवाद दिया है। कैमरामैन भारत बुंदेला के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज 24, भोपाल।